एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है और चौड़ाई में 40% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी होगा। हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है भाई, यह होता है एल इंटू बी होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ 5 ले 1 बढ़ा दी गई, यानी कि कितनी हो जाएगी भाई आपकी 5 ले 6 हो गई। अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो हो जाएगा 2 से कमी करें ना, यानी कि 5 से 2 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपके 3 हो गई। अब एरिया कर दो, एल इन टू बी होता है, यानी कि 5 25 और 36 18, 25 तो अब 18 हो गया, यानी कितना का कमी हो गया भाई, 7 का कमी हो गया, किस पर, 25 पर इंटू 100, तो 25 चौका 100, 7 चौका 28। ओहो कमी है यहाँ पर बोल रहा है, कमी ही बोल रहा है, ठीक है दोनों ही केस में कमी बोल रहा है, तो 4 हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 3 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, ये तो जाएगा इतना आपका 13, तो ये 4 बार में कटेगा 25 से, यानी 13 चौका 52%। तो जो कमी आएगा ओवरऑल एरिया में कितना का आएगा, 52% का, ऑप्शन नंबर 2। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो भाई, जानते हैं कि एरिया एल इंटू बी पर डिसाइड करता है और लेंथ और विड्थ हमें दे रखी है। तो मान लो कि एरिया टोटल इनिशियल में कितना था, 100 था, 100 में 20% की कमी यानी कि 80/100 हो गया, और फिर 40 का कम यानी कि 40/100 हो गया, सॉरी ये तो ठीक है 80/100, और 40% की कमी गई यानी कि ये कितनी हो जाएगी, 60/100 हो गई। तो 100 से आपका 100 कट गया, यहाँ पर 00 से आपका ये कट गया, यानी कि 48 हो गया, यानी 100 से जो वैल्यू थी ये कितनी हो गई, 48 हो गई, यानी कितना का कमी हो गया भाई ओवरऑल, इसे इस पूरे इवेंट में कितना कमी हो गया, 52% का। तो आप इस ऐसे भी कर सकते थे, परसेंटेज से भी कर सकते थे, बेसिकली आप परसेंटेज का ही क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ पर एरिया लगाकर बोला गया, तो जो बेसिक तरीका तो आपका यही है, और परसेंटेज से करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते थे। यानी कि भाई हम जानते हैं कि एरिया एल इंटू बी पर डिसाइड ही करता है, और लेंथ और विड्थ हमें दे ही रखी, यानी कि 100 मान के चलो भाई एरिया कितना था, किसी भी प्लॉट का एरिया कितना था, 100% ही होगा। 100 में पहले लंबाई में 20% की कमी किया गया, फिर चौड़ाई में 40% की, यानी कि सक्सेसिव हमने कमी निकाल दिया यहाँ से, सक्सेसिव क्या निकाल दिया, कमी निकाल दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ओवरऑल कमी कितना हुआ होगा, तो देखो 20% आपका ये हो गया, ठीक है प्लस 40 ये हो गया, माइनस का 20 × 40/100, सक्सेसिव निकाल दो इसका ना, ओवरऑल कितना कमी होगा, तो 40 20 कितना, 60 60 - 8 करोगे कितना हो जाएगा, 52%। ओवरऑल कमी कितना होगा, 52%। ये भी तरीका है करने का, ठीक है जो बेसिक तरीका आपको समझने के लिए, तो ये तरीका भी है करने का, और ये परसेंटेज आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है सक्सेसिव से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। ये सारे क्वेश्चन में लग जाएंगे भाई, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि लगातार कमी को डिनोट करेंगे, और जिनकी एरिया हमें फैक्टर पर डिपेंड करती है कि भाई इस तरीके से उनके जो दोनों वैल्यू है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू है उन पर डिपेंड करेगी, उन सभी क्वेश्चन में ये चीज़ लग जाएंगी। बेसिकली जो आयत वाले जो रिटेंगल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें तो डेफिनेटली ये चीज़ लगेगा ही लगेगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।